ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रेन को देखते हैं जो अभी तक अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाई थी एक्चुअल में एक दिन उसकी जान बचाने में ही उसका बॉयफ्रेंड आयन कार एक्सीडेंट में मारा गया और वो आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और घबरा कर उठती है तभी उसके पास उसके हस्बैंड सैन डिंगसाओ की कॉल आती है जो कि उसे कुछ सामान लेकर होटल बुलाता है एक्चुअल में रैन डिंगसाओ की वाइफ के साथ साथ सेक्रेटरी भी होती है लेकिन डिंगसाव उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और आज भी वो हमेशा की तरह किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और डिंग्सा उन्हें उससे प्रोटेक्शन मंगाया होता है लेकिन यहाँ पर रैन अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो हमेशा से ही ये सब देखती हुई आ रही है लेकिन ढिंगसा उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हें तो पता नहीं है कि मैं कौन सी ब्रांड का प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ तो रैन उसे सॉरी बोलकर दोबारा बाय करने के लिए जारी होती है लेकिन डिंगसा उसे रोक कर कहता है कि सच बताना तुम जलस थी ना इसीलिए रॉन्ग प्रोटेक्शन बाय करके लाए हो तो रैन कहने लगती है कि हम तो कभी इंटीमेट हुए ही नहीं ना तो मुझे क्या पता कि तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो तो ढिंगसा उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रैक करना चाहती हो और जो लड़की वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी वो शर्माने लगती है कि क्या वो तीनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं लेकिन डिंगसा उसे वहाँ से भगा देता है और वो रेन से पूछता है कि आज तुमने मेरी शाम को ख़राब कर दिया है तो तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाली हो लेकिन रेन तो डिंगसाओ को बस देखे जा रही थी वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो तो रेन कहती है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिंगसाओ बिल्कुल रेन के पहले प्यार अन की तरह दिखता है और बस इसीलिए रेन ने रिंगसाओ से जबरदस्ती शादी की थी उनकी शादी को काफी टाइम हो गया लेकिन कभी भी उनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं रहा इसलिए डिंगसा उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है और रैन तो उसकी हर बात मानती थी और इस बात के लिए भी मना नहीं करती है और आज पहली बार दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं एक्चुअल में सबको लगता है कि रेन ने रिंगसाओ से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है लेकिन सिर्फ रेन को पता था कि रिंगसा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तीन साल पहले जब अयन रेन को बचाने में मारा गया था तब डिंगसाओ ही रेन को हॉस्पिटल लेकर आया था और कुछ दिनों बाद जब रेन को होश आता है और वो डिंगसाओ को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि डिंगसाओ बिल्कुल अयन की तरह दिखता है इसलिए उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके डिंगसाओ के साथ रहेगी और प्रेजेंट में वो सोचती है कि उसने अयन को तो खो दिया है लेकिन कुछ भी हो जाए वो डिंगसाओ को खुद से दूर नहीं होने देगी जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब रेन उठती है तो देखती है कि वहां पर डिंगसाओ नहीं है और डिंगसाओ उसके लिए चेक छोड़कर गया था क्योंकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी लेकिन रेन उस चेक को डस्टबिन में फेंक देती है जिसके बाद उसके पास डिंगसाओ को मैसेज आता है और वो उसे दस मिनट के अंदर ऑफिस में फ्लावर्स और रिंग लेके आने के लिए, के लिए कहता है जिसके बाद जब रेन ऑफिस पहुँचती है तो वहां पर कलीग्स बातें करने लगते हैं कि कोई लड़की डिंगसाओ से मिलने के लिए अब्रॉड से आई है और सेक्रेटरी रैन मिस्टर डिंगसाओ की वाइफ है फिर भी वो उसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन ये सब सुनकर भी रैन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और चुपचाप ऑफिस में चली जाती है और देखती है सारी और लड़की की क्लोज है जिसका नाम वेंकिंग है वेंकिंग कहने लगती है कि मैं और डिंग बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं तो तुम्हें हमें ऐसे देखकर कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन रैन बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है और कहती है कि मैंने तो डिंग को हमेशा अपनी बाहों में एक नई लड़की को होल्ड करते हुए देखा है तो मुझे इस चीज की आदत है यहाँ पर और रेन के सामने ही वैंकिंग को रिंग पहनाता है और उसे फ्लावर्स देता है और रेन के सामने ही उसे लेकर वहाँ से चला जाता है एक्चुअल में वैंकिंग डिंगसाओ की एक्स गर्लफ्रेंड होती है अब डिंगसाओ उसे डिनर पर ले जा रहा होता है लेकिन जब वैकिंग देखती है कि रेन डिंग्साओ के साथ बैठने जा रही है तो वो कहने लगती है कि मैं और डिंगसाओ बहुत दिनों बाद मिले हैं तो मैं डिंगसाव से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ तो क्या तुम आगे वाली सीट पर बैठ सकती हूँ तो रेन चुपचाप जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है अब ढिंसा रैन को ही देख रहा होता है और ये चीज बैंकिंग भी नोटिस करती है इसलिए बीच में बोलने लगती है कि जब मैं अब्रोड में थी तो तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा लेकिन ढिंगसाओ कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब्रोड से वापस आ गई हो बैकिंग पूछने लगती है कि मैं कहा रहने वाली हूँ तो रैन बताती है कि मैंने मेट से बोलकर आपके लिए रूम बुक करवा दिया है तो ढिंगा रैन को जलस करना चाहता था लेकिन उसे गुस्सा आता है कि वो इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है

लेकिन खाना कच्चा होने की वजह से उसे वामिट फील होती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम जाती है बैकिंग भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है क्योंकि वो रेन को नीचा दिखाना जा रही होती है इसलिए उसे कहती है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो डिंगसा तुम्हें प्यार नहीं करने वाला लेकिन रेन कहती है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिंगसा मुझसे प्यार करें जो सुनकर बैंकिंग कहती है कि अच्छा तो तुम उसके साथ उसके पैसों के लिए हो लेकिन रैन कहती कि नहीं मैं तो उसके फेस के लिए हूँ लेकिन ये बात बैंकिंग को समझ में नहीं आती है जिसके बाद वो लोग होटल आते हैं जहाँ पर डिंगसाओ अपने असिस्टेंट से बैंकिंग को उसका रूम दिखाने के लिए कहता है और रेन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने पर क्यों तुली हो रेन पूछती है कि आखिर अब मैंने क्या कर दिया और तुम किस चीज़ की वजह से अनहैपी हो डिंगसा उसके क्लोज जाने लगता है और यहाँ पर भी रेन आयान के बारे में ही सोच रही होती है डिंगसा पूछने लगता है कि अभी तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही थी और डिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि तुम मेरे लिए प्रोटेक्शन भी बाय करके लाती हो मेरे साथ इंटीमेट भी हुई और आज चुपचाप खाना भी खा लिया आखिर तुम्हारा क्या पर्पस है रेन कहती है कि मेरा पर्पस बस तुम्हें हैप्पी करना है और कहती है कि आज मैं स्वैंकिंग खुश थी और आप तो मिस बैंकिंग के एडमायरर है तो आपको भी खुश होना चाहिए जो सुनकर डिंगसा भी सोचने लगता है कि हाँ मुझे तो खुश होना चाहिए लेकिन मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ और रेन जलस नहीं हो रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है रेन बोलने लगती है कि क्या आप मुझे और मिस बैंकिंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखना चाहते हैं जो सुनकर डिंगसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है लेकिन बाद में भी वो रेन के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर उसे मुझे किसी और के साथ देखकर बुरा क्यों नहीं लगता है तभी वहाँ पर बैंकिंग आकर उससे चिपकने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन डिंगसा उसे बाहर निकाल देता है जिससे कि बैंकिंग को गुस्सा आता है कि आखिर डिंगसा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जबकि पहले तो वो मुझसे बहुत प्यार किया करता था तभी बैंकिंग के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फोटोज़ को रिवील कर दूँगा मतलब कि बैंकिंग डिंगसाओ के पास सिर्फ पैसों के लिए आई है और वो अपने बॉयफ्रेंड से एक महीने का टाइम मांगती है जिसके बाद नेक्स्ट डे जब बैंकिंग डिंगसाओ के पास बैठने के लिए आती है तो वो बहाना बना देता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं अकेले बैठना चाहता हूँ तो बैंकिंग आगे की सीट पर बैठने के लिए जाती है और रेन को टैक्सी से आने के लिए कहती है जिसके बाद ऑफिस में कलिग्स कोसिफ कर रहे होते हैं कि बॉस ने मिस बैंकिंग को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है मुझे तो लगता है कि वो बैंकिंग से ही प्यार करते हैं और मिस बैंकिंग अब्रॉड में थी इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी रैन को अपनी वाइफ बनाया होगा क्योंकि रैन थोड़ी सी बैंकिंग की तरह दिखती है अब ऑफिस में बैंकिंग तो बस रैन को परेशान करने के लिए आई थी इसलिए उसे कॉफ़ी मंगवाती है और कॉफी में दिक्कत निकाल कर बार बार उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहती है और इधर डिंगसाओ को असिस्टेंट उसके पास फाइल लेकर आता है तो डिंगसाओ उससे पूछता है कि तुम रेन का काम क्यों कर रहे हो असिस्टेंट बताता है कि मिस वैंकिंग जब से ऑफिस में आई है वो सेक्रेटरी रेन से बस कॉफ़ी मंगवाने में लगी है जो सुनकर डिंगसाओ कहता है कि क्या मैं रेन को इतनी सैलरी किसी और को कॉफ़ी देने के लिए देता हूँ असिस्टेंट कहता है लेकिन मिस वैंकिंग तो आपकी फेवरेट लेडी है ना लेकिन डिंगसाओ को पता था कि वो बैंकिंग को पहले की तरह प्यार नहीं करता है और वो रेन को पसंद करता है लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को बुलाने के लिए कहता है तभी वहाँ पर बैंकिंग डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है लेकिन डिंगसाओ मना कर देता है कि मैं बाद में खा लूंगा तभी वहाँ पर रेन भी आती है और वो भी डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है लेकिन जब वो देखती है कि बैंकिंग ऑलरेडी लंच लेकर आई है तो वो माफी मांग कर वहाँ से जाने लगती है लेकिन बैकिंग उसे रोकती है और डिंगसाओ से कहती है कि मैं रेन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ रैन से उसका ओपिनियन मांगता है लेकिन रैन कहती है कि आपकी जैसी मर्जी जिस उनका डिंग साउ को गुस्सा आता है कि रैन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपकी ही सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ इसीलिए गुस्से में उसे बैकिंग का पर्सनल असिस्टेंट बना देता है जिसके बाद रैन वहां से चुपचाप जाने लगती है लेकिन डिंग साव उसे यहीं पर लंच छोड़कर जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज फैमिली डिनर पार्टी है इसलिए तैयार रहना जिसके बाद वो बैंकिंग के लंच को असिस्टेंट को दे देता है और रैन के लंच को खुद खाने लगता है असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि आखिर बॉस को कब रियलाइज होगा कि वो मिस रेन को प्यार करते हैं क्योंकि वो जब भी मिस रेन की बातें करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है नेक्स्ट में रेन से बोल रही होती है कि तुम ज्यादा टाइम तक डिंगसाओ के साथ नहीं रह पाओगी क्योंकि एक न एक दिन डिंगसाओ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स दे देगा अब डिवोर्स का नाम सुनकर तो रेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि डिंगसाओ को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता अब आज रात रेन को डिनर पार्टी में जाना था इसलिए बैंकिंग उसे जान बुझ कर वॉशरूम में देती है ताकि वो पार्टी अटेंड ना कर सके क्योंकि अब वो कैसे भी करके रैन और डिंगसा को अलग करना चाह रही थी इधर डिंगसा और को कॉल भी कर रहा होता है लेकिन कॉल नहीं मिल रहा होता डिंगसा को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि आज फैमिली पार्टी है और मैंने बता दिया था उसके बावजूद भी रेन गायब है इसीलिए अपने असिस्टेंट से रैन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है तभी वहां पर बैंकिंग आती है और कहती है कि रैन ने कहा है कि उसे कुछ ऑफिस का काम है और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ पार्टी में ले चलो जो सुनकर डेंगा को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या रेन के लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम है और फिर वो बैंकिंग को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाता है इधर रेन के फ़ोन में बैटरी भी नहीं होती कि वो किसी को कॉल कर सके और वो बहुत आवाज़ भी लगाती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं सुन रहा होता रेन सोच रही होती है कि अब तो डिंगसाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा इधर डिंगसाओ की मॉम जब बैंकिंग को पार्टी में देखती है तो उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है क्योंकि बैकिंग डिंगसाओ को छोड़कर एब्रोड चली गई थी और उसकी वजह से डिंगसाओ बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहा इसीलिए वो बैंकिंग से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर रहो और वो डिंगसाओ पर भी गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसी आया हूँ कहाँ है तो बताता है की जल्द ही आ जाएगी वैसे तो की रेन को भी पसंद नहीं करती थी जबरदस्ती से शादी की थी लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि रेन डिंगसाओ की सारी बातें मानती है और बैंकिंग से तो बेटर ही है और वो डिंगसाओ से कहती है की लड़की मुझे दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस रैन को ऑफिस में ढूंढ ली लेकिन वो मिल नहीं रही है इसलिए डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को पूरी कंपनी में ढूंढने के लिए कहता है बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली रैन उन्हें मिल जाती है लेकिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती इसलिए असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है लेकिन रैन कहती है कि तुम मुझे पार्टी में ले चलो इधर डिंगसाओ की मॉम वैंकि को बाहर फेंक देती है और जब डिंगसाओ उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वह उस पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो जो पार्टी में पहुँच चुकी थी अब मॉम रैन से कहने लगती है कि वैंकि को मेरे बेटे से दूर रखना रैन कहती है कि हाँ मैं हमेशा के साथ ही रहूंगी और वैंकिंग को ढिंगाओ के क्लोज नहीं आने दूंगी जिसके बाद रैंक ढिंगसाओ के साथ पार्टी में चली जाती है लेकिन वहाँ पर भी ढिंगसा उसे अकेले छोड़कर अपने क्लाइंट से बातें करने लगता है और यहाँ पर वैंकिंग बेसर्मो की तरफ फिर आ जाती है और रेन पर गुस्सा करने लगती है दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है और इसी चक्कर में रैन पानी में गिर जाती है टिंगसा उसे देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे बचाता है लेकिन यहाँ पर रेन की सांसें नहीं चल रही होती तो वो उसे सीपीआर देने लगता है और अचानक से रेन होश में आती है लेकिन वो ऑलरेडी बीमार थी इसलिए दोबारा से बेहोश हो जाती है तो रिंगसा उसे हॉस्पिटल लेकर आता है डॉक्टर बताता है कि रेन बहुत ज्यादा घबरा गई थी लेकिन अब वो ठीक है डिंगसा बैंकिंग से पूछता है कि क्या हुआ था तो बैंकिंग माफी मांगने लगती है कि रेन मुझे बचाने के चक्कर में पानी में गिर गई डिंग्सा बैंकिंग को बाहर जाने के लिए कहता है जो कि बैंकिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि रेन बार बार उन दोनों के बीच में आ रही है नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट डिंग्सा को बताता है कि मिस बैंकिंग कभी अप्रोड गई ही नहीं थी और शायद वो पैसों के लिए दोबारा आपकी लाइफ में वापस आई है डिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि बैंकिंग झूठ क्यों बोल रही थी और असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैडम रैन आपसे सच्चा प्यार करती है क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं लिया लेकिन डिंग्सा को अच्छे से पता था कि रैन ने उसे ड्रग्स दिया था और शादी के लिए उसे फोर्स किया था तो फिर वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है असिटेंट कहने लगता है लेकिन आप तो उन्हें पसंद करते हो ना और अगर नहीं करते तो आपने उन्हें डूबने से क्यों बचाया डिंगसा को कहने लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सुनकर असिस्टेंट अपनी बोलती बंद कर लेता है और यहाँ पर हम लोगों को तो पता होता है कि रैन ने डिंगसाओ से शादी सिर्फ उसके साथ रहने के लिए की है क्योंकि वो आयान की तरह दिखता है लेकिन डिंगसाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता अब डिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे रेन को क्या खिलाना चाहिए तो असिस्टेंट बताता है कि मेरी वाइफ जब बीमार हुई थी तो उसे डिस्चार्ज होने के बाद आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था इसलिए डिंगसा और रेन को भी आइसक्रीम खिलाने ले जाता है इस चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे एक और आइसक्रीम मांगती है और उसे याद आता है कि किस तरह आया उसका ख्याल रखता था और एक दिन रेन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था तो उसे बहुत ज़्यादा खाने से डांटता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती लेकिन जब वो रेन को रोते हुए देखता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तो कभी भी खाने से नहीं रोकूंगा और वो पीरियड्स में थी इसीलिए उसे रोने से मना करता है अब रेन सोच रही होती है कि अयान तो है नहीं तो अब मैं कितना भी खाऊँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खाने लगती है लेकिन डिंग्सा उसे ज़्यादा खाने से रोकता है लेकिन देखता है कि वो रो रही है तो उसे दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए दे देता है जिसके बाद जाते टाइम रेन को पीरियड पेन होने लगते हैं तो डिंग्सा उसे उठाकर घर लेकर आता है अब इन पीरियड्स में होती है तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है कभी वो उससे ब्राउन शुगर वाटर मंगवाती है तो कभी ऐसी कम करने के लिए कहती है और कभी टी ऑन करने के लिए कहती है अब इतनी सारी डिमांड सुनकर डिंगसाओ इिटेट हो जाता है लेकिन फिर भी उसकी सारी बातें मान रहा होता है जिसके बाद जब वो जा ही रहा होता है तो ट्रेन उसे दोबारा कुछ मांगने के लिए जाती है इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर उसके क्लोज आता है और कहता है कि आज तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो रेन पूछती है कि आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो तो वो कहता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और इधर बैकिंग अपने एक्स से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका एक्स अभी भी उसे धमका रहा होता है कि अगर तुम पैसे लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा अब बैंकिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे इसलिए वो ढिंगसाओ को बहाने से अपने रूम में बुलाती है डिंग्सा को तो उस पर पहले ही डाउट हो चुका था लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रख रहा होता है बैंकिंग उसे आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहती है लेकिन डिंग्सा मना कर देता है लेकिन फिर भी वो बहाने से सूप में ड्रग मिलाकर उसे पिला देती है जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा नशा होने लगता है और इस चीज़ का फायदा उठाकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है ताकि बाद में अपनी प्रेगनेंसी का नाम डिंग्साओ पर लगा सके लेकिन डिंगसा उसे अपने क्लोज आने से मना करता है और वहाँ से भाग जाता है बैंकिंग समझ चाहती है कि डिंगसा उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता है तो वो सोचती है कि अब मुझे किसी भी तरह रैन को अपने रास्ते से हटाना ही होगा इधर डिंग्सा नशे में रेन के पास आता है और रेन नोटिस करती है कि डिंगसाओ की बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म है लेकिन तभी डिंगसाउ से जबरदस्ती किस करने लगता है और रेन कहने लगती है कि शायद आपको मिस बैंकिंग के पास जाना चाहिए लेकिन डिंग्सा उसे चुप रहने के लिए, के लिए कहता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है रेन सोचने लगती है कि शायद बैंकिंग ने रिजेक्ट कर दिया होगा इसीलिए यहाँ पर आया है लेकिन डिंगसा पूछने लगता है कि तुम मुझे हमेशा खुद से दूर क्यों करती रहती हो क्या मैं तुम्हें सेटिसफाई नहीं करता हूँ और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है फिर वो सोचता है कि मुझे रेन से तो नफरत करना चाहिए लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रेन क्यों आ रही है और फिर उसे लगता है कि कहीं उसे से प्यार तो नहीं हो गया है लेकिन फिर सोचता है कि शायद ये मेडिसिन का असर है इसीलिए ऐसा हो रहा है नेक्स्ट सीन में बैंकिंग ने रेन को मारने के लिए अपने एक्स को भेजा था लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेन के साथ टिंगसाओ भी है तो वो अपने एक्स को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता इधर टिंगसाओ नोटिस करता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है इसलिए वो तेजी से अपनी कार को भगाने लगता है और तभी रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है रेन हिम्मत करके कार से बाहर आती है और टिंगसाओ को कार से बाहर निकलने में हेल्प करती है टिंगसाओ नोटिस करता है कि कार ब्लास्ट होने वाली है इसीलिए रेन को दूर धक्का दे देता है लेकिन रेन टिंगसाओ को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है और हम देखते हैं कि टिंगसाओ बिल्कुल ठीक था। और रैन कहने लगती है कि फाइनली इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया फिर वो डिंगसाओ को एन समझकर ये सब बोल रही होती है नेक्स्ट इन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर रैन ब्रेन इंजरी की वजह से कुमा में पहुँच जाती है और डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है और उसे याद आता है कि कैसे उसने रेन से कहा था कि तुम मेरी वाइफ तो बन चुकी हो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करने वाला और कितने गंदे तरीके से उसे ट्रीट किया करता था और आज उसे इन सारी चीज़ों का पछतावा होता है जो उसने रेन के साथ किया था इसीलिए अब वो रोते हुए कहता है कि अगर तुम होश में आ जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करूँगा कुछ देर बाद रेन को होश आ जाता है और ढिंगसाओ उसे देख बहुत ही खुश होता है लेकिन रेन की नज़र सीधे ढिंगसाओ की चोट पर जाती है और वो उसके फेस को देखकर रोने लगती है कि सब मेरी वजह से हुआ है और कहती है कि अब तुम उसकी तरह नहीं दिख रहे हो डिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसकी बात कर रही है रैन पूछने लगती है कि क्या ये इसका रिमूव नहीं हो सकता जो सुनकर डिंगसाओ को बुरा लगता है कि रैन के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके फेस का स्कार है बाद में डिंगसाओ अपने स्कार को ही देखे जा रहा था और असिस्टेंट से कहता है कि पता नहीं इस स्कार को देखकर रेन मेरे साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रही है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस पर्सन के बारे में बात कर रही थी तभी डिंगसाओ के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं हॉस्पिटल में भी रैन डिंगसाओ के इस कार को डॉक्टर को दिखाकर पूछ रही होती है कि क्या ये इस कार रिमूव नहीं हो सकता जो सुनकर डिंगसाओ को फिर से गुस्सा आता है कि तुमने अपनी कंडीशन का बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल बुलाया था रेन उसे काम करने लगती है और कहती है कि मेरे दिल में हमेशा तुम एक परफेक्ट पर्सन ही रहोगे लेकिन ये इस कार तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है डिंगसा उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए रेन उसे काम करने के लिए उसे किस कर देती है और डिंगसाओ कहता है कि सच में तुम बहुत ही सैमलियस होती जा रही हो और उसके इंसिस्ट करने पर उस स्कार को डॉक्टर को दिखाता है लेकिन डॉक्टर भी उस स्कार को रिमूव करने से मना कर देता है क्योंकि वो चोट बहुत ही डीप थी डिंगसा उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे फेस की वजह से मेरे साथ हो और रेन हाँ बोल देती है जो सुनकर डिंगसा को बहुत ही गुस्सा आता है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है बाद में रन खुद ही उसके पास आती है और ढिंगसा को लगता है कि शायद वो पिछली हरकतों के लिए उसे मनाने आई है इसलिए वो सोच रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला लेकिन अभी भी रन छुपके से उसे क्रीम लगाने के लिए आई होती है ये जानकर ढिंगसा उसे बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन रन जान तैयार होकर आई होती है और ढिंगसा उसे देखता है तो कुछ कुछ होने लगता है इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं मेडिसिन लगवाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होने वाला है तो रेनु उसे किस करने लगती है और अब डिंगसा खुद को कहाँ कंट्रोल करने वाला था और साथ नाइट स्पेंड करते हैं नेक्स्ट ऑफिस में रेन उसके लिए बिल्कुल ब्लैंड लंच प्रिपेयर करके लाई थी ताकि उसका स्कार जल्दी ठीक हो जाए और डिंगसा बिना कुछ कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता है अब डिंग्सा बहुत ही ज़्यादा खुश था कि रेन उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है ऐसे ही एक महीना बीत जाता है लेकिन अभी तक भी उसका स्कार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और इस बात से रेन बहुत ज़्यादा दुखी थी डिंगसा उसे समझाता है कि डॉक्टर ने कहा था कि स्कार बहुत ही डीप है इसीलिए टाइम लग रहा है इसीलिए रैन उसे एक स्कार रिमोअल क्रीम अप्लाई करने के लिए जाती है जो कि उसने ऑनलाइन मंगवाई थी लेकिन उस क्रीम में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि डिंगसा उसे लगाने से मना कर देता है रैन कहती कि अगर तुम मुझे ये क्रीम लगाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन डिंग्सा फिर भी मना कर देता है लेकिन रात में चुपके से वो उसे क्रीम लगा देती है लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जब डिंगसाओ अपने फेस को देखता है तो वो रेन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उस क्रीम की वजह से उसके फेस पर एलर्जी हो गई थी और ऑफिस में असिस्टेंट भी उसके फेस को देखकर हंसने लगता है अब डिंग्साओं को मीटिंग में जाना था लेकिन एलर्जी की वजह से वो जा नहीं पा रहा था इसीलिए वो रेन पर गुस्सा करने लगता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है फिर वो नोटिस करता है कि शायद रेन उदास हो गई है उसे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया इसीलिए थोड़ा नॉर्मल बोलने लगता है लेकिन रैन उससे डिवोर्स लेने की बात करती है डिंगसा कहने लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा था लेकिन रेन कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और कल तो मैं तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट दे दूंगी और मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी में से भी कुछ नहीं चाहिए और मैं चुपचाप चली जाऊंगी अब डिंगसा उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ लेकिन रेन कहती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ तो डिंगसा पूछने लगता है तो फिर क्या तुम मेरे इस कार की वजह से डिवोर्स ले रही हो और टिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि पहले तो उसने खुद ही फोर्सफुली उससे शादी की और अब इस कार की वजह से उससे डिवोर्स ले रही है और फिर गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं रेडी हूँ लेकिन बाद में तुम रिग्रेट मत करना अब गुस्से में टिंग ने डिवोर्स के लिए हाँ तो बोल दिया था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रेन को अब कैसे बनाएँ इसीलिए अपने असिस्टेंट से सजेशन से मांगता है लेकिन रेन तो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और डिवोर्स पेपर लेकर भी आ जाती है इसीलिए टिंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करूँगा क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद रैन उससे गुस्से में है लेकिन रेन तो सीरियसली उससे डिवोर्स लेने का बोलकर चली जाती है और ये बार ढिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अब उसकी मीटिंग होती है जिसके लिए असिस्टेंट उसे कॉल करता है लेकिन ढिंगसा उस पर ही गुस्सा उतारने लगता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ को जो छोड़कर जा रही है और तो मैं मीटिंग की पड़ी है जिसके बाद रैन आयान की तरह दिखने वाले किसी और लड़के को ढूंढने के लिए हाउस के ऑनर से मिलने के लिए आती है और जब ऑना फोटो को देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मिसेस रैन मिस्टर डिंगसाव की वाइफ है और फिर भी वो डिंगसाव की फ़ोटो को दिखाकर सिमिलर पर्सन को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रही है और उसे लगता है कि शायद दोनों में झगड़ा हो गया है इसीलिए डिंगसाओ के सब्सिट्यूट को ढूंढने के लिए आई है और इधर इस बारे में डिंगसाओ को भी पता चल जाता है अब यहाँ पर रेन बहुत सारे लड़कों को देखती है लेकिन अयान के आसपास भी उसे कोई नजर नहीं आता है तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुंच जाता है और उसे कैरी करके घर लेकर आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे फोटो को दिखाकर मेरी तरह किसी और आदमी को क्यों ढूंढ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से रेन को हो क्या गया है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया है तो रैन उससे माफी मांगने लगती है लेकिन डिंग्सा बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया था लेकिन फिर आराम से उसे एक ऑप्शन में चलने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा जिसके बाद रैन उसके साथ ऑक्शन में जाती है जहाँ पर डिंगसाव एक रिंग को सबसे हाई बोली लगाकर बाय कर लेता है और उस वन मिलियन की रिंग को रेन को पहनाने के लिए जाता है लेकिन रेन तो डिवोर्स लेने वाली थी इसीलिए बोलती है कि आप रॉन्ग पर्सन को रिंग पहनाने के लिए जा रहे हैं जिस पर डिंगसाव कहता है कि तुम तीन सालों से मेरी वाइफ हो लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें कोई डिसेंट सा गिफ्ट नहीं दिया इसीलिए मैं तुम्हें ये रिंग देना चाहता हूँ और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक दूँगा लेकिन रेनू से ऐसा करने से मना करती है और डिंगसा उसे उस रिंग को पहनाता है अब इस बारे में जानकर वैंकिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिंगसाओ के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और डिंग्सा साफ मना कर देता है तो वो बहाना करने लगती है कि मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मैं बस कुछ ही मंथ सर्वाइव करने वाली हूँ उसे हक करके कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अब रैन वैंकिंग को डिंगसाओ को हक करते हुए देख लेती है और इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांग कर वहाँ से जाने लगती है इसीलिए इधर बैंकिंग ने अपने एक्स को पैसे दे दिए थे फिर भी वो और पैसों की डिमांड करता है और फिर अचानक से बैंकिंग के पेट में दर्द होने लगता है और रेन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि बैंकिंग थ्री मंथ प्रेग्नेंट है और रैन को लगता है कि शायद ये रिंगसाओ का बच्चा है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रिएक्ट करती है अब रैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन बैंकिंग भी उसे कुछ नहीं बताती है और माफी मांगने लगती है कि मैं और नशे में थे इसलिए ऐसा हो गया और नाटक करने लगती है कि मैं बच्चे को अबॉर्ड कर दूंगी लेकिन रैन उसे टेंशन लेने से मना करती है और बताती है कि मैं जल्दी डिवोर्स लेने वाली हूँ और बैंकिंग की बातों में आकर रैन आज ही डिंगसाओं को घर छोड़ कर जाने का फैसला करती है और डिवोर्स पेपर रखकर चली जाती है लेकिन रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है इधर घर पर डिंगसाओ जब डिवोर्स पेपर देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है तभी असिस्टेंट बताता है कि मैडम रैन का फ़ोन नहीं मिल रहा है और डिंगसाओ समझ जाता है कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो रैन को नुकसान पहुँचाना चाहता है और ये कोई और नहीं बल्कि बैंकिंग ही होती है तभी डिंगसाओ के पास बैंकिंग के एक्स की कॉल आती है और वो रेन के बदले में पैसे मांगता है डिंगसाओ जल्दी से रेन को बचाने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर बैंकिंग का एक्स डिंगसाओ पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन बीच में रेन आकर उसे बचा लेती है डिंगसाओ तो रेन को ऐसे देख बहुत घबराने लगता है लेकिन रेन कहती है कि तुम अब आयान की तरह नहीं दिखते हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है डिंगसाओ जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है यहाँ पर डिंगसाओ को पता चल जाता है रेन की किडनेपिंग में बैंकिंग का ही हाथ था और उसी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हायर किया था साथ ही ये भी पता चल जाता है कि बैंकिंग ने रेन से झूठ बोला था कि उसने डिंगसाओ के बच्चे को कैर किया है इसीलिए वो जाकर बैंकिंग पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें रेन की किडनेपिंग करवाने की क्या जरूरत थी तुम मुझसे डायरेक्ट पैसे मांग सकती थी आज तुम्हारी वजह से रेन की ऐसी हालत है बैंकिंग उससे माफी मांगने लगती है और डिंगसाओ कहता है कि तुम्हें रेन के सामने सब कुछ सच बताना होगा जिसके बाद रेन को होश आ गया था और इस बात की न्यूज असिस्टेंट डिंगसाओ को देता है लेकिन जब रेन होश में आती है तो देखती है कि आयन उसके बिल्कुल सामने है तो वो आयन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे सब कुछ एक सपना सा लग रहा होता है लेकिन फाइनली अब आयन आ चुका था तभी वहाँ पर डिंगसाओ आता है और उसे देख कहता है की ये पर्सन कौन है आयन अपना इंट्रोडक्शन देता है और डिंगसाउ से थैंक यू कहता है कि तुमने इतने दिनों तक रेन का ध्यान रखा और अब जाके डिंगसाओ को समझ में आता है की रेन को उसके इस कार से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था क्योंकि वो बिल्कुल अन की तरह दिखता है और उसे पता चलता है कि वो इस कार की वजह से ही उससे डिवोर्स ले रही थी क्योंकि इस कार की वजह से अब वो अन की तरह नहीं दिख रहा होता ये सब जानकर उसे रेन पर बहुत ही गुस्सा आता है और रेन भी उसे बता देती है कि मैं बस तुम्हें अन का सब्सिट्यूट समझती थी और कहती है कि तुम भी तो मुझे बैकिंग का सब्सिट्यूट ही समझते थे और तुमने भी तो मुझे ह्यूमिलेट किया मुझे इतना बुरा ट्रीट किया और ये सब सुनकर को बहुत ही बुरा लगता है कि वो आज तक उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती भी आ रही है इसलिए वो सोचता है कि इसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगा और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम उस बेकार आदमी के साथ सोने का सपना देख रही हो लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा अब डिंगसा रेन की वजह से बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहने लगा था और उसे पता चलता है कि वो कुछ खा भी नहीं रही है इसलिए डिंगसा उसे खाना खिलाने के लिए आता है लेकिन रैन तो अपनी जिद पर रड़ी थी इसलिए डिंगसाओ उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगता है लेकिन रैन की ऐसी हालत देखकर उसे बुरा भी लग रहा होता है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है जिसके बाद अयान डिंगसाओ के घर आता है। और उसे धमकाता है कि रैन को जाने तो वरना मैं लीगल एक्शन लूँगा जिस बात पर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और फाइट भी होने लगती है तभी रेन बीच में आकर उन लोगों को रोकती है और अयन की केयर करने लगती है जब वो देखती है कि उसको चोट लगी है और इस बात पे डिंगसा को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ फिर भी तुम मेरे सामने किसी और आदमी की केयर कर रही हो रैन कहती है कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है लेकिन डिंगसा तो डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मुझे भी चोट लगी है लेकिन रैन कहती है कि मैं मेड को बोल दूंगी वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी जिस सुनकर डिंगसा को बहुत ही बुरा लगता है कि अन उसकी लाइफ में आ गया है तो मुझे देख भी नहीं रही है और यहाँ पर अन शरीफ बन रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें डिंगसा पर ध्यान देना चाहिए लेकिन रिंग्सा को तो अच्छे से पता था कि वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है इसीलिए उसे गुस्से में मारने के लिए जाता है लेकिन रैन उसे रोक देती है तभी यहाँ पर रैन फैमिली का मैनेजर आता है और रैन को बताता है कि आपके डैड हॉस्पिटलाइज है एक्चुअल में रैन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी लेकिन उसने इस बारे में डिंगसाओ को कभी नहीं बताया था और आज जब उसे आयान और मैनेजर के थ्रू इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी रियल आइडेंटिटी बता सको रेन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे विक्टिम ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा से तुमने भी मुझे बैंकिंग का सब्सिट्यूट ही समझा है रेन वहाँ से जाने लगती है लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पर कभी भी साइन नहीं करने वाला हूँ जिसके बाद रैन अपने डेड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से उसके डेड को क्या हो गया क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे अब मैनेजर आयन के सामने बताना नहीं चाहता था इसलिए आयन समझ खुद ही बाहर चला जाता है मैनेजर बताता है कि चेयरमैन के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ है तभी वहाँ पर रैन के डैड की मिस्ट्रेस और उनकी डॉटर आती है जो कि रैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अब रैन वापस आ चुकी थी और उन लोगों को डर लग रहा होता है कि कहीं रैन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी रैन की ना हो जाए क्योंकि उन दोनों की नजर तो प्रॉपर्टी पर ही होती है इसीलिए रैन उन दोनों को उनकी फैमिली में इंटरफेयर करने से मना करती है लेकिन उसके स्टेप सिस्टर उसी पे ही ब्लेम डालने लगती है कि डैड की हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है क्योंकि डैड को पता चल गया था कि तुम किसी और आदमी के साथ रह रही हो इधर ढिंसा खुद को बिजी रख रहा होता है ताकि उसे रेन की याद ना आए और असिस्टेंट के पूछने पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो रेन को मिस कर रहा है और कंपनी में भी सबको पता चल जाता है कि रैन रैन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर है और अयन के साथ उसकी फोटो को देखकर भी गॉसिप कर रही होती है जो देखकर डिंगसा को गुस्सा आता है कि अभी भी रैन उस अन के साथ है

सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो बहुत ही खुश होकर उसे ग्रीट करने के लिए आती है लेकिन डिंगसा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है अब रेन के स्टेप मदर को पता था कि रेन के पीछे डिंगसाओ का हाथ है तो वो उसे रेन फैमिली को मैनेज करने की परमिशन दे देती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो से पंगा लेगी तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा जिसके बाद रैन डिंग्सा को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और डिंगसाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था इसलिए उसे ट्रीट देने के लिए कहता है रैन उसे छोटे से रेस्टोरेंट लेकर जाती है और उसे बताती है कि आय उसे यहाँ पर लेकर आया करता था डिंग्सा को गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर भी अन की बात कर रही हैं रेन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ तो इसमें तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो और डिंगसा उसे खुश देख बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ डिनर के बाद और रेन को घर छोड़ने के लिए आता है तो रेन उसे कहती है कि अब तुम अयान की तरह नहीं दिखते हो तो अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं लेकिन डिंग्साव कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम हमेशा मेरी वाइफ ही रहोगी और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं रास्ते में डिंगसाव नोटिस करता है कि आन किसी लड़की के साथ है और वो चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और रैन को सेंड करता है लेकिन वो नोटिस करता है कि रैन ने तो उसको ब्लॉक कर दिया है जिसके बाद वो फोटो असिस्टेंट को दिखाता है लेकिन उसने इतना ब्लर फोटो क्लिक किया था कि पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसमें अन है लेकिन अब डिंगसाव को आइडिया लग चुका था कि आन जैसा दिखता है वैसा है नहीं इसलिए वो असिस्टेंट से आय के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिसके लिए असिस्टेंट रेडी नहीं हो रहा था लेकिन उसने असिस्टेंट को क्या बोला है इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा नेक्स्ट सीन में जब रैन अपनी कंपनी में आती है तो उसे पता चलता है कि उसका असिस्टेंट डिंगसाओ है और डिंगसाओ ने अपने असिस्टेंट से यही कहा था कि वो उसे रैन ग्रुप में एज अ असिस्टेंट हायर करवाए रैन तो उसे देखकर बहुत ही सॉक्ट होती है लेकिन डिंगसाओ तो बस उसके आस ही रहना चाहता था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अयान अच्छा लड़का नहीं है लेकिन अब रैन को भी डिंगसाओ से बदला लेने का मौका मिल गया था वो उसे कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है और उसे सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहती है लेकिन डिंगसा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है इसलिए कहता है कि आपको अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जब आप फिफ्टी की हो जाओगी तब आप डेट पर जाइएगा लेकिन रैन कहती है कि क्या तुम तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो जिस पर वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके लिए एक अच्छा सा होटल बुक करूँगा जिससे आप बहुत हैप्पी हो जाओगी और वो अपने असिस्टेंट से एक होटल बुक करने के लिए कहता है असिस्टेंट खुश होता है कि डिंगसा और रैन के साथ डेट पर जा रहा है लेकिन डिंगसो इरीटेट होकर कहता है कि हमारे लिए नहीं बल्कि रैन और अन के लिए रेस्टोरेंट बुक करना है बाद में रेन अन के साथ होटल आती है जहाँ पर डिंगसा खुद ही वेटर बनकर आता है ताकि उन दोनों की डेट को ख़राब कर सके और जान बुझ कर आयान पर पानी गिरा देता है आयन कहने लगता है कि लगता है कि सैन के प्रेसिडेंट के पास और कुछ काम नहीं है इसलिए यहाँ पर वेटर बन के काम करना पड़ रहा है ढिंगसा उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद दूंगा लेकिन एन उसे अपने कपड़े निकालकर आयन को देने के लिए कहती है डिंगसा कहता है कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या तुम सोर हो कि तुम मेरे कपड़े आयन को देना चाहती हो तो रेंट गुस्से से आयन को लेकर वहाँ से चली जाती है और ढिंगसा को तो अब यही प्लान होता है कि वो रेन को आयन से अलग कर देगा जिसके बाद ऑफिस में डिंग्सा असिस्टेंट की सारी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा होता है और रैन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर असिस्टेंट बनकर क्यों आए हो जिस पर डिंगसा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर खुश हूँ और रेन के क्लोज जाने लगता है जिससे कि रेन की हार्ट बीट फास्ट होती है और वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है जिससे कि डिंगसा को लगता है कि रेन भी मुझसे जरूर प्यार करती है बाद में रेन चुपके से डिंगसाओ को देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डिंगसा उस रैन ग्रुप को छोड़कर कर यहाँ पर क्या कर रहा है और वो कैसे भी करके उसे यहाँ से वापस भेजना चाह रही होती है इसीलिए उसके पास जाकर कहती है कि मुझे अयन के साथ डेट पर जाना है इसीलिए तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा जहाँ पर डिंगसा उसके लिए ड्रेस चूज़ करता है लेकिन वो उसकी ड्रेस को नापसंद कर देती है और एक सेक्सी सा ड्रेस पहन कर आती है जो देखकर वो जल्दी से उसे अपना कोट उड़ा देता है और स्टाफ से अपनी पसंद की हुई ड्रेस को पैक करने के लिए कहता है और रेन से कहने लगता है कि तुम ऐसी ड्रेस बस मेरे घर पे मेरे लिए पहन सकती हो और कहता है कि अगर तुम इस ड्रेस को पहनकर अन के साथ गई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा अब रैन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है लेकिन डिंगसाओ कहता है कि जब मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो और उसे आयन के फोटो दिखाता है जब वो किसी और लड़की के साथ में था लेकिन रैन को लगता है कि वो बस आयन को फ्रेम करना चाहता है इसीलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और फिर बाद में डिंगसाओ को कॉल करके कल मीटिंग के लिए बिजनेस प्लान बनाने के लिए बोलती ताकि वो उसे बिजी रख सके जिस पर डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि खुद तो आयन के साथ डेट पर जा रही है और मुझे प्लान बनाने के लिए बोल रही है अब डिंगसो के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी सारे प्लान को बनाने लगता है ताकि रेन के पास पहुँच कर उनकी डेट को खराब कर सके इधर रैन आयन के साथ डेट इंजॉय कर रही होती है और इधर डिंगसाओ सारा काम असिस्टेंट को पकड़ा कर रेन के पास निकल जाता है आयन कहता है कि मैं रेन को घर छोड़ दूंगा लेकिन डिंग्सा जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है जिससे कि रेन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कहने लगता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि जब तुम मुझे किसी और के साथ डेट पर देखती होगी तो तुम्हें कैसा लगता होगा और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लेकिन प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो लेकिन रेन साफ मना कर देती है नेक्स्ट इन में रेन को अपने एक क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना था लेकिन डिंग्सा उसे मना कर रहा होता है क्योंकि डिंगसा को अच्छे से पता था कि वो आदमी अच्छा नहीं है लेकिन रेन के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए कहती है कि मुझे जाना ही होगा अब डिंगसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उसे समझ नहीं आता कि क्या करें तो फिर वो अयन को कॉल करके रेन के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रेन मुझे तो अपने साथ लेकर नहीं जाएगी जिसके बाद रेन के साथ उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है यहाँ पर क्लाइंट के इरादे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होते हैं लेकिन फिर भी रेन टॉलरेट करके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है लेकिन फिर वो रेन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है इसलिए अयन कहता है कि मैं रेन के बदले ड्रिंक कर लूंगा लेकिन वो क्लाइंट गुस्सा करने लगता है इसीलिए अयन रेन से कहता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम का बहाना बनाकर कर यहाँ से चली जाना और रेन ऐसा ही करती है और रेन के जाने के बाद अयन पानी को स्पाइक करके रैन को पिला देता है और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि अयन उस क्लाइंट के साथ मिला हुआ है अब पानी पीने के बाद रैन को नशा चढ़ने लगता है और अयन रैन को उस क्लाइंट के साथ छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल अयन तो तीन साल पहले ही रेन को बचाते टाइम मर चुका था और ये रियल अयन नहीं बल्कि कोई बेहपिया होता है इधर ढिंगसाओ रेन को कॉल और मैसेजेस किया जा रहा था लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता इसीलिए अन को मैसेज करता है और रेन के बारे में पूछता है लेकिन अयन भी उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है तो फिर डिंगसाओ जल्दी से वहाँ पर पहुँच कर रैन को उस आदमी से बचाता है और उस आदमी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता है वो आदमी ढिंगसा उसे माफ़ी मांगने लगता है अब रेन उस इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ढिंगसा उसे संभालता है लेकिन रैन इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे अपने से दूरी नहीं जाने दे रही होती और ऊपर से बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है डिंगसा उसे संभालता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और रात भर उसका ध्यान रखता है लेकिन सपने में भी उसे वो सारी चीज़ें परेशान कर रही होती है और रोने लगती है और डिंगसा को रेन की इसी हालत देख कर आयन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मॉर्निंग में जब रेन उठती है तो देखती है कि डिंगसा उसी के पास सोया हुआ है डिंगसा उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से बचाया है तो तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो और उसे किस कर देता है जिससे कि वो इरिटेट हो जाती है वो कहता है कि तुमने मुझे रिपे करने से मना कर दिया इसीलिए मैंने खुद नहीं अपना कंपनसेशन ले लिया और फिर डिंगसा उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा तभी वहाँ पर असिस्टेंट फेका को लेकर आता है और डिंगसा उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे मारने के लिए जाता है लेकिन रेन बीच में आकर उसे रोकती है डिंगसा को गुस्सा आ रहा होता है कि एन ने खुद ने ही रेन को उस आदमी को सौंप दिया और फिर भी वो उसे ही प्रोटेक्ट कर रही है और उसे हटाकर आयन को मारने लगता है अब आयन नाटक करने लगता है कि सारी गलती मेरी ही है मैं कल रात को रैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और रैन उसकी बातों में आ जाती है जिस पर डिंगसाओ को उस पैक आयन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है लेकिन रैन उल्टा डिंगसाओ को ही थप्पड़ लगा देती है जिस बात से डिंगसाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है रैन को भी बुरा लग रहा होता है कि उसने डिंगसाओ पर हाथ उठाया उसके बाद डिंगसाओ रेन की वजह से बहुत ही ज्यादा हट था इसीलिए बहुत ही ज्यादा ट्रिंक करने लगता है पर तभी कोई लड़की उसके पास आती है तो उसको भी गुस्से में भगा देता है और उस अभी भी रेन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो रेन को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मुझे पिक करने के लिए आओ लेकिन रेन बार बार कॉल कट कर रही होती है और वो बार बार उसे ही कॉल किए जा रहा होता है तो रेन असिस्टेंट को कॉल करके डिंगसाओ को पिक करने के लिए कहती है लेकिन डिंगसाओ तो असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर तो मैं रेन का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पिक करने आने वाली है तो फिर असिस्टेंट रेन को कॉल करके बताता है कि बॉस तो मेरे साथ जाने के लिए मना कर रहे हैं तो फिर रेन खुद ही उसे पिक करने के लिए आती है तो रिंग से जल्दी से उसे हक कर लेता है जब असिस्टेंट उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मुझे बस रेन ही टच कर सकती है क्योंकि मैं सिर्फ रेन का हूँ जो सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है और उन दोनों को अकेले छोड़कर कर वहाँ से चला जाता है अब रेन जैसे तैसे करके उसे टैक्सी तक लेकर आती है लेकिन उसमें भी वो बैठ नहीं रहा होता और कहता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और नोटंकी कर रहा होता है जिससे कि टैक्सी ड्राइवर प्रस्ट्रेट हो जाता है तो रैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है फिर वो रेन से कहता है कि आन अच्छा आदमी नहीं है तुम उससे दूर रहो और दोबारा से उससे एक चांस मांगता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रेनु उसे रोते हुए देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है डिंगसा कहने लगता है कि अगर मैं सैन ग्रुप के शहर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या तुम तो मुझे माफ़ कर दोगी लेकिन रेनु साह ये सब बोलने से मना करती है और उसे घर लेकर आती है नेक्स्ट डे असिस्टेंट डिंगसा को उसकी नशे वाली वीडियो दिखाता है जो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेस्ट फील होता है कि उसने क्या कर दिया जिसके बाद डिंगसाओ का बर्थडे होता है और रैन उसके साथ सोपन पर जाती है आधे टाइम वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है इसलिए प्रिटेंड मत करो लेकिन रैन कहती है कि मैंने आयान के लिए बाय किया है जो फिर उनका डिंगसाओ को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगता है इसीलिए रैन उसे रोक फाइनली उसे उसका गिफ्ट दे, दे देती है और डिंगसाओ को उसका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है इधर रैन की स्टेप सिस्टर उसके डैड को मार देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रैन के डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी रैन को ही देने वाले हैं और थोड़ी देर बाद रैन को पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे जिसके बाद असिस्टेंट भी इन्वेस्टिगेट करके बता देता है कि रियल आयन तो तीन साल पहले ही मारा गया था जिसके बाद रैन के डैड का फ्यूनरल होता है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर रोने का नाटक कर रही होती है और रैन तो अपनी डैड के मौत से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी होती है और यहाँ पर आयान फिर से उसे झूठा सपोर्ट देने के लिए आता है लेकिन डिंगसा उसे रैन से दूर रहने के लिए कहता है लेकिन आयन को पता था कि अभी रैन की ऐसी हालत है फिर भी उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है तभी रेन को डिंगसाव की बातें याद आती है कि अयन अच्छा लड़का नहीं है इसीलिए वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है लेकिन अन उसे मनाने में लगा होता है तभी वहाँ पर डिंगसाव आता है और इनको अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे फेक आयन की रियलिटी बताता है और सारे एविडेंस भी दिखाता है जिन्हें देखकर कर इनको पता चल जाता है कि उसका आयान तो तीन साल पहले ही मर चुका है जो जानकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है एक्चुअल में ये फेक अयन एक गैम्बलर होता है जिसने गैम्बलिंग के चक्कर में अपनी वाइफ को भी मार दिया था और अब वो रैन के पैसों के पीछे था इसीलिए उसने आयन की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी जिसके बाद रैन डिंगसा उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती हैं क्योंकि वो अब फेक अयन से शादी का नाटक करके उसकी रियलिटी को बाहर लाना चाह रही होती है लेकिन डिंग्साओ को पता था कि ये सब कुछ रैन के लिए बहुत ही रिस्की होगा लेकिन रैन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है जिसके बाद रैन टिंगसाओ के साथ फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाती है और अब वो अपने प्लान के लिए रेडी थे इधर रैन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि रैन ने डिंगसा उसे डिवोर्स ले लिया है और उससे शादी करने वाली है और अन रैन से एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है लेकिन रैन को तो अच्छे से पता था कि वो उससे किसी और पेपर पर साइन करवा रहा है लेकिन फिर भी रैन उसका भरोसा जीतने के लिए उस पेपर पर साइन कर देती है जिसके बाद वो डिंगसाओ को कॉल कर इस बारे में बताती है तो डिंगसाओ उससे कहता है कि तुम्हें पेपर पर साइन करने की क्या जरूरत थी और उससे पूछता है कि इस टाइम पर तुम कहाँ हो तो वो बताती है कि अभी मैं अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही हूँ तभी रैन नोटिस करती है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और इस बारे में डिंगसाओ को बताती है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है डिंग्सा जल्दी से उसके पास पहुँचता है और उसे निकाल कर ले जा रहा होता है तभी अयन उन दोनों को कार से हिट करने के लिए जाता है लेकिन डिंग्सा और रेन को बचा लेता है रेंट उसका हो जाता है लेकिन फिर भी अयन दोबारा से रेन को हिट करने के लिए जाता है और इस बार असिस्टेंट आकर रेन को बचाता है नेक्स्ट नेक्सिन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर कुछ दिनों के बाद डिंग्स और बिल्कुल ठीक हो जाता है लेकिन वो रेन को दिखाकर नाटक करने लगता है कि वो अभी भी बहुत इंजर्ड है तो रैन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती है लेकिन डिंग्सा उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम मुझे हक करोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और उसे गले लगा लेता है जिस पर असिस्टेंट हंसने लगता है और डिंग्सा उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है जिसके बाद रैन डिंगसा को बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और उसे बताती है कि अयन की सच्चाई सबको पता चल गई थी और उसने अपनी वाइफ को मारा था इसीलिए उसे फांसी की सजा हुई और डिंगसा को खुशी थी कि ऐसा आदमी मरना ही डिजर्व करता है जिसके बाद रैन डिंगसा को अपने पहले प्यार अन के ग्रह पर चलने के लिए कहती है जिस पर डिंगसाओ को लगता है कि वो अभी भी आन को भूल नहीं पाई है तो रेनु से किस करने लगती है तो डिंगसाओ कहाँ रुकने वाला था वो भी उसे बहुत ज्यादा किस करने लगता है लेकिन तभी उसे पेन होने लगता है तो रेनु से ज्यादा मुंह करने से मना करती है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था अब दोनों के बीच में लोग जो चल रही होती है और रेन जान कर वहां से जाने लगती है लेकिन डिंगसाओ उसे रोक लेता है उसे किस करने लगता है और फिर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे अपने पास ही सुला लेता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे जिसके बाद नर्स आकर बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है और डिस्चार्ज ले सकता है इसीलिए डिंगसा खुश होकर अब रेन से दोबारा शादी करने के लिए कहता है लेकिन रेन भाव खाने लगती है नेक्स्ट सीन में डिंगसा और रेन को अपने साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने लेकर जाता है क्योंकि वो अब रेन के साथ प्रॉपर मैरिज करना चाहता था क्योंकि पहली बार उनकी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी और उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज भी करता है जो देखकर रेन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फाइनली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है फिर डिंगसा उसे रिंग पहनाता है जिसके बाद रेन वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है जो कि स्पेशली टिंगसाओं ने उसके लिए बनवाया था और जब डिंगसा उसे वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि रेन अब उसकी हो चुकी है रैन उसे ऐसे इमोशनल देख भागकर उसके पास आती है और उसे बहुत ही प्यार से किस करती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था जिसके बाद डिंग साउ को रेन के डेड की मौत का एविडेंस मिलता है और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने रेन के स्टेप स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के कहने पर यह सब कुछ किया था जिसके बाद रेन अपनी स्टेप मदर के पास आती है और उसके पास रिकॉर्डिंग भी होती है जब उसकी स्टेप मॉम ने डॉक्टर से मेडिसिन चेंज करने की बात की थी इसलिए रेन अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को असिस्टेंट को बोलकर पुलिस के हवाले करवा देती है लेकिन उसकी स्टेप मॉम सारा प्लेम अपने ऊपर ले लेती है जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रेन के स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि रेन ग्रुप सारा का सारा रेन का हो चुका है इसीलिए वो गुस्से से रेन को चाकू मारने के लिए आती है लेकिन डिंग्सा बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है जिसके बाद उसे तीन दिनों से होश नहीं आया होता और रेन बस उसके होश में आने का वेट कर रही होती है ताकि जब डिंगसाव उठे तो सबसे पहले उसे ही देखे थोड़ी देर बाद डिंगसा मुंह करता है और रेन जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है डॉक्टर आकर चेक करता है और बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन डिंगसो पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और रैन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यह सुनकर रैन बहुत ही उदास हो जाती है कि डिंगसो मुझे भूल चुका है और उसे बताने लगती है कि मेरा नाम रैन है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ लेकिन डिंगसो कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मेरी कोई रैन नाम की गर्लफ्रेंड है और कहता है कि हाँ मुझे इतना याद है कि मेरी वाइफ का नाम रैन है मतलब कि अभी वो सब कुछ भूलने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है और रैन उस पर नाराज होने लगती है और फिर दोनों के बीच किस होती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें थैंक्स फॉर वॉचिंग